अच्छा तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह छोटे भजन को छोड़ने के लिए आ गए हैं और ब्लॉग का इंट्रो ही नहीं करा, ब्लॉग का इंट्रो कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत और करम के साथ हमने आज के मतलब ब्लॉग का कर लेते हैं आगाज़। तो अल्लाह ताला के प्यारे नाम के साथ हमने मजेदार से ब्लॉग का आगाज़ करते हुए चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी, और सब्सक्राइब को पहले करवाओ ताकि आपके भाई की आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको बर वक्त मौजूद हो सके। छोटे भजन को छोड़ने के लिए आए हो भाई, चलो 10:15 बजे लेने आ जाऊँगा। क्यों 10:15 बजे लेने आऊँगा वो घर जाके बताता हूँ। तो ये सामने कॉलेज है, इसको थ्रो कर दिया, तो चलते हैं घर। ऐसा करते हैं ब्लॉग का इंट्रो कर लेते हैं और आपको डायरेक्ट करते हैं घर पे मिलते हैं, नहीं घर पे ही रास्ते में मिलते हैं। सो वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। अच्छा तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई घर पे आ चुका है, छोड़ने पर छोड़ के यानी थ्रो करके उनके कॉलेज में। क्यों तो उसके अलावा यार एक बैड न्यूज़ तो नहीं क्या, लेकिन बहुत ही बैड न्यूज़ है। आपको पता सुबह सुबह मेरी मम्मा फिसल के गिर गई, मेरी माता श्री बहुत बुरे तरीके से गिरी, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। टूटने से यहाँ पे गिरी है, यहाँ पे पानी था भाई जान, तो पता ही नहीं चलो मम्मी ऐसे से कोई तो शुक्र सरवर नहीं गिरा, ऐसे गिरी तो चोट नहीं लगी। अल्लाह पाक ने खेले तले मामला कर दिया। तो माता श्री आपको ज़रा चोट वोट तो नहीं लगी ना? बचत तो हो गई ना आपकी, इंशाल्लाह आपका फेस रिवील करूंगा, फेस टू फेस बात करा करेंगे। अभी एक बंदा है, दो तीन बंदे बात करेंगे, ठीक है मम्मा? इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपनी मम्मा का फेस रिवील करना है, तो इंशाल्लाह तो किसी भी दिन हो सकता है भाई। अचानक से व्लॉग आ रहा होगा तो तभी कोई वजह है, इस वजह से रिवील कर रहा हूँ वो, जब मैं करूँगा जब बताऊँगा आपको। तो उसके अलावा आप क्या करना है यार, अब कुछ भी नहीं करना। बस एक और बैड न्यूज़ है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। मेरी माता श्री और मेरे बापू जी मुझे और मेरे छोटे भाई और मेरी सिस्टर को अकेले घर पर छोड़ के जा रहे हैं भाई। कहाँ जा रहे हैं? छः महीने जा रहे हैं अकेले अकेले। हमने कहा था हमारे को भी ले जाओ, लेके नहीं जा रहे। बुकर अगले महीने लेके जाऊँगा, तो पापा का लगता रहता है महीने में एक दो चक्कर आपको लग जाते हैं 6 महीने के ऐसे ही जाते हैं। तो अपना जा रहे हैं वापसी इस महीने, अपना आज जा रहे हैं अकेले अकेले जा रहे हैं। मुझे लेके नहीं जा रहे, मैं कह रहा हूँ मेरे को भी ले जाओ, नहीं लेके जा रहे हैं। इंशाल्लाह पिछले दिन जाऊँगा सिंह शरीफ का एक ब्लॉग बनाऊँगा इंशाल्लाह। तो उसके अलावा यारो यही बहुत दुख भरी कहानी का, माता श्री और बापू जी के बगैर हमारा दिन गुजरेगा। और तो अब क्या यारो जी, अब क्या, अब कुछ नहीं यार। जब माता श्री और बापू जी जाने लगेंगे ना, उनको लाफिज कर देंगे। टाटा बाय बाय। अच्छा तो दोस्तों नाश्ता वाश्ता कर लिया था आपके भाई ने, और पीछे का नज़र आ रहा है छोटे भाई जान, आज उनकी जल्दी छुट्टी करा दिया घर पे। मम्मा पापा नींद है तो पापा कहते हैं उसको जल्दी रहना बेटा आज, तो उसको 10:30 बजे लेने के लिए आ गया। तो अब यार घर की तरफ ही जा रहा हूँ, ये थोड़े रास्ते बड़े खतरनाक हो रहे हैं, देख के मोटरसाइकिल चलानी पड़ती है यार, क्या करें। कोई आगे पीछे से मार खा दिया हमारे को, आगे की लोग ठहरे आगे तो हम देख लेंगे। तो छोटे भाई जान को पिक कर लिया, तो अब जा रहा हूँ घर पे। तो सूरज मामा पढ़ रहे हैं आँखों में, अब आगे आँखों में धूप पड़ रही है। तो दोस्तों ऐसा करते घर चलते हैं, करेंगे। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह छोटे भाई को यार लेकर तो आ गए थे, देन उसके बाद मैं बैठा अपना काम कर रहा था काय का यार, अपना लैपटॉप का प्रोजेक्ट कम्प्लीट कर रहा था। प्रोजेक्ट हो गया कम्प्लीट, तो उसके बाद आपको भाई नहा धो के फ्रेश वाश हो चुका है। तो मम्मा पापा घर पे नहीं यार, काफ़ी बोरियत हो रही है, यानी कि घर सुना सुना लग रहा है मम्मा के बगैर। खासकर मम्मा क्योंकि हर काम में बोलती रहती ना, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, बस मैं समझ सकता मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उसके अलावा यार छोटे भाजन भी नहा दो के फ्रेश वाश होकर, चीज़ खा रहा है बेटा, रोटी रोटी नहीं खानी तूने? हेलो खानी है तो ये क्या खा रहा है? इधर आँखों में आँखें डाल के बात कर, इधर हूँ मैं, इधर उधर नहीं हूँ, इधर हूँ सामने हूँ, सामने नीचे नीचे थोड़ा सा, हाँ इधर ज़्यादा नीचे हो गया बेटा। तो दोस्तों हाँ ये चीज़ खा रहा, तो यार मैं जा रहा हूँ अभी रोटी लेने के बाद, क्योंकि आज हम देखते हैं कौन बनाएगा यार, कि मेहनत करे घर में कौन सड़े। जाता हूँ तंदूर से नान ले जाता हूँ, जो बना हुआ है वो तंदूर के नान के साथ ही खाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। और उसके अलावा देखिए यार सूरज भी ऐसा धीमा धीमा हो रहा है, यानी कि जिसको कहेंगे ना हम के बादल आया था सूरज के आगे, जो सूरज की यानी कि रोशनी कम हो जाती है जैसी हो रही है, तब चलते हैं जल्दी जल्दी और नान लेकर आए थे, फिर बाकी ये बातें बाद में करेंगे। अच्छा तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने नान ले लिया यार, एक तो रोडों के इतने झटके में घर की तरफ ही चौक पर पहुँच गया, चौक पर लेते हैं गाड़ी वगैरह। देखो यहाँ पे लोग लड्डू खेल रहे हैं बैठ के, चाचुओं के वो देखो बटर पाई आके चौक पे बैठ के लगे हुए हैं भाई जान। तो अब चलते हैं घर पे, खाना शाना खाते हैं और आपको डायरेक्ट दस्तरखान से मिलते हैं। चलो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आपके
भाई घर पे आ चुका है, 11 ने खाना शाना सर्व कर लिया है हमने अपनी अपनी प्लेटों में, जैसा कि आप देख सकते हो। छोटे भाई जन भी सामने, आज अकेले हम दो भाई हैं बस, और बहन है, बहन बाहर काम कर रही है, उनको बोल रहे आ जाए खा जाए, वो अभी आ नहीं रही। तो डांस करके दिखा रहा है, कर अब डांस कर, अब कर आए सर बिल्लो तो दोस्तों। उसके अलावा आज है छोले कोफ्ता एंड छोले वाला सालन, जो सुबह हम नाश्ते में कर रहे थे, ये वही सालन है हम सुबह बना के ना असल में। तो अब इसको टेस्ट करते हैं, ये पठान वाला नान है, पठान के तंदूर का नान नहीं होता वो वाला है। अरे तो टेस्ट करते हैं, तो नवाला एक वीआईपी से तोड़ लेते हैं, तोड़ लिया नवाला। तो अब थोड़ा सा कोफ्ता ले लेते हैं, और ये कोफ्ता ले लिया जैसे कि आप देख सकते हो। तो अब चने छने लेते हैं थोड़े से, और छुरे में फुल अपने जो रोटी का नवाला है ना उसको डिप करके ना एक वीआईपी किस्म का नवाला बना के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। A few moments later. क्या बातें हैं, स्वाद आ गया बच्चों। तो अब इस स्वाद को और इन्जॉय करते हैं ना यार, सबर नहीं हो रहा, बाकी बातें बाद में करते, पहले खाना खा जाए। अच्छा तो दोस्तों हम भाई खाने जा रहे हैं, दोपहर खाने का कहाँ जा रहे हैं, सेंटर जा रहे हैं भाई, भाई जान भी आ गया, सेंटर भी हमारा आ चुका। तो लेवा भाई जान जल्दी ऊपर से लो चलो। मोबाइल चलाना है, काम करने है, उठ रेस्ट, तू कौन सा तीर फटा कर, उठ उठ बंद कर, मेरे को कॉपीराइट आ जाएगी, खुद भी चला रहा है पागल, अभी कॉपीराइट स्ट्राइक मेरे को भिजवा देता। तो दोस्तों उसके अलावा यार वो आ चुके हैं, गर्मी बहुत दबा के हो, आते साथ ही एसी चला रहे ठंडी, हाँ एसी में देखिए क्या खराबी, इसकी पंखड़ी को देखिए अटक अटक के चलती है, ये मसला ऐसा ख़राब ना हो जाए, और उसे तभी कम इस्तेमाल करा करो। वैसे वो अभी तक उनका लाए नहीं है, बोल रहे रबी रबल के बाद आएंगे, अभी उनका टाइम नहीं है। तो इसके अलावा यार बस ऐसे टाइम गुजारा क्या बताऊँ आपको, बस लाइटें शाइटें जलाइए घर में आते साथ ही। तो माशाल्लाह कितना खूबसूरत घर लग रहा है, बाहर भी फुल लाइटें जगमग से चल रही है। बाबा जानी और मम्मा लाभ वहाँ से निकल चुके हैं, जहाँ गए हैं सीमित शरीफ गए हैं, वहाँ से निकल चुके हैं, रास्ते में आ रहे हैं। तो अब क्या करते हैं, अब कुछ भी नहीं करते, अब जो काम है ना अपना वो करते हैं, फिर छोटे भाई को लेने जाना है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई सारा काम होने भारी होने के बाद भाई जान अभी जा रहा हूँ, छोटे भाई जान को लेने के लिए जा रहा हूँ, पहुँच गए उनके सेंटर, तो उनको पिक करते हैं और जैन फिर जाते हैं और पानी गेंद लेकर आते हैं। तो फिर बस आने वाला है उनका सेंटर, तो उनको पिक करते हैं। अभी इसको क्या हो गया, सामने खड़ा है। अस्सलामुअलैकुम, हाँ भाई जान आ गया ना, टाइम से आया हूँ ना, हाँ टाइम से आया हूँ, तो अब जाते हैं और पानी गिन लेते हैं, देन बाकी की बातें बाद में करते हैं। अच्छा तो दोस्तों यारो मैं आज फिर अगेन आपको, जैसे कल मैंने वाले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था ना, जिस तरह लोगों ने सजावटें करी हुई थी लाइट्स की, तो ये देखिए जिस तरह से ये जल रही है और सामने नज़र आ रही है। तो मैंने कि आज भी आपको ब्लॉग में आई जाए तो यार मज़ा आता है ब्लॉग में, इस चीज़ का रबी रबल का महीना रह गया 2-3 दिन, यानी कि सजावट की, वरना लोगों ने उतार देनी है सजावट इतनी की भी है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ दिखाने के लिए, सुभान अल्लाह चेक करो भाई, हमारे 6 नंबर का डिफेंस के जाता है, तो कैरवन वक्त में ज़रूर बताइए कैसा लोगों ने यहाँ सजाया है घर, यहाँ पर सुभान अल्लाह भाई जान ये अल्लाह चेक करो ज़रा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ज़रा ये अल्लाह बच्चे भी आ रहे हैं भाई सामने से, फुल हैवी राइडर बने हुए, सुभान अल्लाह ये चेक करो, सुभान अल्लाह ये चेक करो, लाइट ही लाइट है, सुभान तो सुभान अल्लाह ये ज़रा चेक करो, इधर नहीं है भैया सामने, ओ टक टक ब्रेकर बड़े करते होते हैं यार, सुभान। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई घर पे आ चुका है, छोटे भाई जान का, छोटे भाई जान आते साथ ही मोबाइल में लग गया, तो इनकी खैर। और दोस्तों दफा तो चला गया था उसी टाइम मेरे साथ ही चला गया था नीचे, तो अपने घर जा चुका, तो ये काम शाम जो कर रहा था वो भी कर लिया भैया। तो उसके अलावा यार अब क्या, अब बाबा जानी बस आने वाले हैं थोड़ी देर में, तो बाबा लोग भी आते हैं, देन फिर कुछ लेकर आते हैं खाने पीने को, पेट पूजा करने को समझा करो यार। तो बाबा जान जैसे आते फिर पेट पूजा का भी इंतजाम करते हैं अपने। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
करम कहता मेरे बापू जी आ गए, तो अस्सलाम वालेकुम बापू जी। आ गए आप, अच्छा अच्छा सफ़र गुजरा आपका, मज़ा आया घूमने में? अकेले अकेले जा रहे, बच्चों को साथ नहीं लेके जा रहे? अच्छा ठीक है, अगले महीने जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने अपना फसल रखा तो दोस्तों, उसके अलावा यार गर्मी बड़ी हो रही है तो कुछ खाने पीने का भी इंतजाम करता है। बाबा जानी मस्का लगाना है आपको, थोड़ा सा लगा लूँ कुछ खाने पीने का तो करो, कुछ इसका तो जुगाड़ करो। हो गया ना, क्या हुआ जुगाड़? ये हुआ है, अरे बताने बोलिए आपका भाई लेकर आ गया जो खाना था यार, मैंने ऐसे ही लगा हुआ था यार, थोड़ा प्रैंक कर रहा था। बाबा लोग तो यार आ गए, थोड़ी देर पहले आए थे, जब मैंने लास्ट ट्रिप एंड करी है उसकी थोड़ी देर बाद ही आ गए थे। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि फिर ये बर्गर शर्गर मैं लेने चला गया, और अभी आया हूँ घर पर। मैंने बाबा जान ने सोचा कि मस्का शिशका लगाते हैं, थोड़ा सा जो थोड़ा बहुत जो लगा रहा था। तो उसके अलावा यार अब जाते हैं कमरे में, एसी सच्ची की हवा खाते हैं, लाइट भी आ गई है, लाइट चले गई थी फिर आई, अब दोबारा लाइट आने का समझ में नहीं आता। और दोस्तों ये जो बाल है ना हमारे, इसका भी कुछ करना है, बहुत बड़े हो गए इन बालों का, कुछ ना कुछ करना है इनको, छोटा कराते हैं, कम करने लग गए हैं दादा। तो अब कमरे में जाते हैं, ठंड ठंडी हवा करते हैं, और जो चीज़ लेकर आया हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या लेकर आया। अच्छा तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई आ चुका है कमरे में बापू जी के साथ बैठा हुआ, जरा क्या आप देख सकते हो, थैंक यू सो मच बापू जी। बचा तुम्हें तो दोस्तों, हाँ भूल ही गया था यार दादा, जज्बात में बह गया था। तो हाँ कहाँ थे हम, रास्ते में थे, ये वाला रास्ता भाई कि बर्गर शर्गर दिखाता हूँ। अरे खुल जाए, कहाँ से खुलेगा? हाँ यहीं से खुलेगा। अरे कहाँ से खुलेगा? सही, हाँ यहाँ से खुलेगा भाई। एक अदद बोटी इसमें लगी हुई है, बाकी अदद बोटियाँ इसमें लगी हुई हैं। तो ये हो गया बारबेक्यू बर्गर, इसको है ना असल में बारबेक्यू पे ना ग्रेवी कर देते हैं, वो जो उसका चिकन होता है उसको टिक्की यानी कि कोयले पे बनाया जाता है, फिर हम बारबेक्यू बनाते हैं, फिर उसको बर्गर में लगाया जाता है, तो इसको कहते हैं स्मोक बर्गर। काफ़ी फेमस हुआ अभी 7 नंबर लतीफाबाद में, काफ़ी दूर दूर से लोग खाने के लिए आ रहे हैं, तकरीबन कासमाबाद से भी लोग, कासमाबाद शहर सदर इधर से भी लोग खाने के लिए आ रहे हैं भाई। फेसबुक पे उन्होंने कोई पोस्ट भी डाली तो वहाँ से भाई बड़े लोग आ रहे हैं तो खाने के लिए। तो हम सेकंड टाइम ट्राई कर रहा हूँ मैं तो भाई, उस दिन जिस दिन मेरी बर्थडे की डिटेल्स दिन भी लेकर आया था, काफ़ी मज़े का था। तो सब लोग घर वाले खा रहे हैं बैठे, तो मम्मा का फेस रिवील किसी भी दिन हो सकता है, अचानक से ब्लॉग आ जाएगा मॉम फेस रिवील, ओए होए क्या मज़े का ब्लॉग हो गया वाला। तो तेरी क्या ज़रूरत, मैं कर नहीं सकता तेरे साथ में, तेरी तरफ कैमरा कोई आप ही बैठी हुई वहाँ पर, मैं कर देता तेरी तरफ बंदा। तो इसके अलावा दोस्तों बर्गर शर्गर ट्राई करते से केचप ख़त्म हो जाए, तो ये रहा ऐसा केचप शेचप लगाते हैं, ट्राई श्राई करते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, एफ़ी हैवी किस्म के नवाले के साथ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जो बात है स्वाद आ गया, बस वैसे टेस्ट है इतने मसाले वसाले ठंडा थोड़ा सा, पता नहीं कौन कौन सी सॉसेस वॉसेस कितना पता नहीं क्या क्या डालते रहते किसी ने। अब मैं सेकंड टाइम जो ना ब्लॉग बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा क्या ये किस तरीके से बना रहे हो, तो फिर आपको पता चलेगा भाई कितना रश होता है। तो मैं वक्त को जाके अपने मज़ेदार से बर्गर को इन्जॉय करता है, देन बाकी की बातें बाद में करते हैं। अच्छा तो दोस्तों माशाल्लाह रोटी शूटी खा के फारिग हो गए हैं, तो दोस्तों अब यार ब्लॉग को मैं एंड करने लगा यार, ये थोड़ी उर्दू के बीच में मेरी पंजाबी मिक्स हो जाती है, तो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, कभी कभी ऐसा होता रहता है। तो दोस्तों कमरे की सेटिंग कैसी लग रही है एक ऑन बॉक्स में बताइएगा, चार भाई हमने ऐसे कर दिया समझा नहीं आओ, ऐसे बैठियो लेकिन इस बैकग्राउंड का क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा यार, ये बैकग्राउंड सारा का सारा ख़राब हो जाता है, क्या करूँ यार दोबारा यहीं खड़ा हो जाता है यार, यहीं ख़राब लग रहा है तो यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। ये सही है पीछे प्लेन दीवार, अच्छा सा बैकग्राउंड, ये क्या तो ये बता नहीं सकते, हमारी देसी मॉम्स हैं यार, देसी मॉम्स ऐसी होती हैं, तो इसे एक तरह आप मतलब कुछ यानी मैं क्या कहूँगा ऐसा क्या लग सकूँ कि वो चल यार जो भी हो छोड़ो। तो ब्लॉग को मैं एंड करने लगा, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये आज का छोटा सा चुटका सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, जिसमें मम्मा पापा थे नहीं, अगर जो अच्छा लगा तो सबसे पहले इस वीडियो लाइक कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब को कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके उसको बेल आइकन भी दबा देना ताकि मिलने वाली हर लेटेस्ट वीडियो को बरवा हो सके। तो आज ही इतना ही मिलेगा किसी और नए टॉपिक नहीं किसी नए कॉन्टेंट नए वी लॉग के साथ, सो लेट्स टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।